हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो ग्रोथ हुई है, आज भी आप देखते हैं पंचायत हो या म्यूनिसिपलिटीज़ हो, लोकल लेवल पे जो ऑटोनॉमी की बात हुई है कब से स्टार्ट हुई, और ये इसका पूरा जो ग्रोथ का प्रोसेस है मॉडर्न हिस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आप देखते हैं जब भी हम कोई भी सोशल या इकोनॉमिक चेंजेस लाने की बात करते हैं सोसाइटी में, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लोकल लेवल पे जो सेल्फ गवर्नमेंट हमने दे रखी है उसको और थोड़ा सा पावर देना चाहिए। हम ये बात तो हम हमेशा रेज करते हैं, चाहे आज के सिनेरियो में हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो कि हमें उसको ज़्यादा अच्छा करना है, या ग्राउंड लेवल पे अगर कोई भी चेंज लाना है तो आप देखते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर बहुत फोकस किया जाता है। और आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्राउंड लेवल पर अगर आप चेंज लाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि लोकल लेवल पर जो ऑटोनॉमी आती है, जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट जाती है, उससे ही इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो आप ऊपर से सेंटर, अगर आप चाहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर ले तो वो नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट को उसको पावर देना जरूरी है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि सारे स्टेट को हम ही मैनेज करेंगे तो ऐसा भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पावर देना जरूरी है, फिर ब्लॉक लेवल पे जाती है, फिर आप देखते हो विलेज पंचायत होती हैं, तो इस तरह से म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाई सच लोकल बॉडीज एज हैव बीन इलेक्टेड बाई द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर लोकलिटी। इसमें बात की गई है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है, मीनिंग क्या है। ये मैनेजमेंट होता है लोकल अफेयर्स का बाई सच लोकल बॉडीज एज हैव बीन इलेक्टेड बाई द पीपल। जो इलेक्टेड पीपल वहाँ के जो पर्टिकुलर लॉजेस, मान लीजिए आप किसी गाँव की बात कर रहे हैं तो उस गाँव के जो लोग होंगे, रहने वाले लोग होंगे, वो इलेक्ट करते हैं कुछ बंदों को गाँव के, जैसे प्रधान प्रधान आपने देखा होगा, तो वो आप मैनेज करते हैं वहाँ के लोकल अफेयर्स को, वो जानते हैं कि किसको क्या चाहिए, ठीक है, क्या नीड है। तो उसकी बात हो रही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय सच लोकल बॉडीज एज हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो ये तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल एजेस। जैसा कि मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंस है वो पॉलिटिकल थिंकर्स हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी भी टाइम के हो, वो हमेशा उन्होंने ये तो बोला है कि इंपॉर्टेंट है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज टॉकवेलो हु सेड दैट टाउन मीटिंग्स आर टू लिबर्टी व्हाट प्राइमरी स्कूल्स आर टू साइंस। टाउन मीटिंग्स आर टू लिबर्टी, लिबर्टी के लिए टाउन मीटिंग वही है जो प्राइमरी स्कूल साइंस के लिए है। मतलब ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेटिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोविंशियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मिनिस्टर्स इन अगस्त 1948, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज and must be the basis of any true system of democracy. We have got rather into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below. Democracy at the top will not be a success unless it is built on this foundation from below. 1948 में जब local self-government की बात हो रही थी provincial level पे, inaugurate कर रहे थे वो conference of provincial local self-government ministers को, तो आपने देखा कि 1948 में अगस्त में जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बोला था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बेसिस है ट्रू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी का। और ज़्यादातर हमारी आदत क्या रही है, जब भी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जब भी कोई बात हुई, तो हमने हमेशा टॉप पे सेंटर पे डेमोक्रेसी की बात करी है, हमने ग्राउंड लेवल पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लेकिन जब तक आप देखोगे डेमोक्रेसी एट द टॉप विल नॉट बी अ सक्सेस, डेमोक्रेसी टॉप पे सक्सेस तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये थिंकिंग जो थी कितना इम्पॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आप देखोगे ये एग्ज़ाम में, तभी आप देखते हो जब पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, पंचायती व्यवस्था हो या म्यूनिसिपलिटीज़, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल बॉडीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन टू डिफरेंट प्रिंसिपल, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो दो तरीके से, दो
बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके, उन पे उनके बेसिस पे बनाई जाती हैं। वन इज़ दैट लोकल बॉडीज एंजॉय एक्सटेंसिव पावर्स टू एक्ट एनी वे दे लाइक फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी अनलेस सर्कमस्क्राइब्ड बाई लॉ इन एनी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहला बेसिस ये होता है कि लोकल बॉडीज को एक्सटेंसिव पावर होती है, वो जैसे चाहें वैसे काम करें लोगों का भलाई के लिए, हाँ बस कोई ऐसा लॉ उनको रोकता ना हो उस काम के लिए। द अदर प्रिंसिपल इज दैट लोकल बॉडीज कैन नॉट गो बियॉन्ड द स्पेसिफिक फंक्शंस डिफाइंड फॉर देम इन द वेरियस एक्ट्स एंड स्टेट्यूट्स। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि लोकल बॉडीज जो हैं स्पेसिफिक फंक्शन से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि उनको वेरियस एक्ट्स में या स्टेट्यूट्स में डिफाइन किया गया है। इन जर्मनी लोकल बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो जर्मनी में क्या होता है लोकल बॉडीज को पहले प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि उनको अपने पूरी फुल फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से लोगों के भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको कोई रोका ना गया हो किसी लॉ से, ठीक है। और आप देखोगे यूएसए और यूके में सेकंड प्रिंसिपल ऑपरेट्स। वो यूएसए और यूके में क्या है कि लॉ है और एक्ट में कुछ डिफाइन कर दिया गया है कि लोकल बॉडीज़ क्या काम करेंगे, तो वो वही काम करते हैं। इन इंडिया लोकल बॉडीज़ हैव डेवलप्ड ऑन द पैटर्न ऑफ यूके, तो आप जब ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं हम तो वैसा ही होगा। तो इंडिया में भी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो यूके के पैटर्न पर है, मतलब हमने क्या किया है लोकल बॉडीज़ को पहले से ही काम असाइन कर रखा है, लॉ एक्ट बना रखे हैं कि आप क्या क्या संभालोगे, तो वो वही देख हैं। अब म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फंक्शन इन इंडिया इन द टाइम ऑफ इंपीरियल मौर्यास, बट इन द सेंस इट इन विच इट इज अंडरस्टूड टूडे इट इज एन ऑफशूट ऑफ ब्रिटिश रूल। म्यूनिसिपल जो गवर्नमेंट है फंक्शन इन इंडिया इन द टाइम ऑफ इंपीरियल मौर्यास के टाइम पे भी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फंक्शन करती थी, बट इन द सेंस इन विच इट इज़ अंडरस्टूड टुडे, लेकिन आज जैसा हम समझते हैं ये अगर आप देखोगे तो ये ऑफ शूट ऑफ ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल की वजह से आया है आज की जो कंडीशन आप देखते हो। इट वॉज इन द प्रेजिडेंसी टाउन दैट लोकल बॉडीज फर्स्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, ये सबसे पहली बार प्रेजिडेंसी टाउन्स में ही हुआ कि लोकल बॉडीज जो हैं एग्जिस्टेंस में आई। 1687 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑर्डर्ड फॉर द सेटिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन इन मद्रास। 1687 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑर्डर किया कि मद्रास में एक कॉर्पोरेशन बनानी चाहिए। द कॉर्पोरेशन कंपोज ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन मेंबर्स, जो कॉर्पोरेशन थी वो ब्रिटिश और इंडियन मेंबर्स थे उसमें। वॉज एम्पावर टू लेवी टैक्सेस फॉर बिल्डिंग ए गिल्ड हॉल, ए जेल, ए स्कूल हाउस, फॉर मीटिंग द एक्सपेंसिस ऑफ म्यूनिसिपल स्टाफ एंड फॉर सच further ornaments and edifices shall be thought convenient for the honor, inter security and defense of the town and its inhabitants। आप देखोगे कि ये जो मेंबर थे इनको कुछ पावर दी गई थी कि टैक्स लिवाई कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग ए गिल्ड हॉल, अगर गिल्ड हॉल बनाना है, जेल बनाना है, स्कूल हाउस बनाना है, और ताकि वो जो एक्सपेंसेस उनको मिल जाए उस एक्सपेंसेस से वो लोकल लेवल पे थोड़ा सा काम कर सकें। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड प्रीमेच्योर फॉर द इनहेबिटेंट रजिस्टर्ड द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये प्रीमैच्योर साबित हुआ, समय इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जो इनहैबिटेंट थे, जो निवासी थे, रजिस्टर्ड द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उन्होंने डायरेक्ट टैक्स देना मतलब विरोध किया उसका। एज सच नो प्रोजेक्ट कुड बी टेकन इन हैंड, इसलिए कोई प्रोजेक्ट लिया नहीं जा सका, ठीक है। आप देख रहे हो कि कोई भी बनाने के लिए ऐसा लोकल लेवल पर उन्होंने परमिशन दे दी थी कॉरपोरेशन को कि आप कंपोज ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन मेंबर कि आप टैक्स लो और अपने हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो ये इतना नहीं सक्सेसफुल हुआ। द मेयर सॉट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज़ टू लेवी ऑन एन एक्ट्रॉय ड्यूटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पीपल हैड बीन अकस्टम टू पे इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल इन अ बिड टू फाइंड फाउंड फंड्स फॉर स्कैवेंजिंग। तो आप देखोगे कि मेयर जो थे, मेयर था, मेयर सॉट, उसने परमिशन ली अथॉरिटी से कि वो एक ऑक्ट्रॉय टैक्स चुंगी कर दे, मतलब लगाया जाए, और फिर बाद में क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की आदत जो थी वो इंडियंस में थी, तो इस तरह से फंड मिल रहा था साफ सफाई के लिए, स्कैवेंजिंग के लिए। तो चार्टर ऑफ 1726 प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ ए मेयर्स कोर्ट टू सुपरसीड द कॉर्पोरेशन। 1726 में एक चार्टर जो आया उसने प्रोवाइड किया सेटिंग अप ऑफ एक मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश की जा सकती है टू सुपरसीड द कॉर्पोरेशन के बदले में। द पावर ऑफ मेयर्स कोर्ट वर मोर जुडिशियल देन एडमिनिस्ट्रेटिव, जो इसकी पावर थी वो जुडिशियल थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कम थी। सिमिलर मेयर कोर्ट वर सेटअप इन बॉम्बे एंड कलकत्ता, इसी तरह से मेयर कोर्ट जो है बॉम्बे और कलकत्ता में भी इस्टेब्लिश की गई।
द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पुट द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन ऑन ए स्टेट्यूटरी बेसिस। अब चार्टर एक्ट था जो 1793 का, पुट द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन ऑन ए स्टेट्यूटरी बेसिस पे उसने म्यूनिसिपल बेसिस को रखा, ठीक है, मतलब कानूनी तरीके से। द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर टू अपॉइंट जस्टिस ऑफ पीस इन प्रेजिडेंसी टाउन। गवर्नर जनरल को पावर मिल गई कि वो अपॉइंट कर सकते हैं जस्टिसेस ऑफ पीस इन प्रेजिडेंसी टाउन में। दी जस्टिसेस ऑफ पीस वर गिवन पावर्स टू लेवी टैक्सेस ऑन हाउस एंड लैंड्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ पुलिस स्कैवेंजिंग एंड रिपेयर ऑफ रोड्स। ये जो जस्टिस ऑफ पीस होते थे ये क्या करते थे कि टैक्स घरों में, जमीन पे और इस पे टैक्स लगा सकते थे ताकि जो पुलिस को पैसा या साफ सफाई का या रिपेयर करने का रोड का पैसा का वो मतलब उनके पास फंड अरेंज हो जाए। ए हाउस टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द रेंटल वैल्यू वाज इम्पोज्ड इन द प्रेजिडेंसी टाउन। जो रेंटल वैल्यू होती थी उसका 5% टैक्स इन्होंने लगाया प्रेजिडेंसी टाउन में। बिटवीन 1840 से 1853 द रेट पेयर्स वर गिवन द राइट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन। आप देखो कि 1840 से 1853 के बीच में जो ये रेंट जो देते थे, टैक्स देते थे, उनको ये अथॉरिटी मिल गई कि आप जो है वो राइट टू इलेक्ट, आप मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन को जो इलेक्ट कर सकते हैं। बट द प्रोसेस वॉज रिवर्स इन 1856 वेन ऑल एग्जीक्यूटिव पावर इन द बॉम्बे टाउन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनेट कमिश्नर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पावर मिली थी, जो मिला था, बट द प्रोसेस, ये प्रोसेस जो थी रिवर्स हो गई 1856 में, व्हेन ऑल एग्जीक्यूटिव पावर, जब सारी एग्जीक्यूटिव पावर इन द बॉम्बे टाउन वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ नॉमिनेटेड कमिश्नर। जो बॉम्बे टाउन की सारी पावर एक नॉमिनेटेड कमिश्नर के हाथ में चली आई। तो ए सिमिलर प्रोसीजर वॉज फॉलोड इन मद्रास एंड कैलकाटा। फर्दर अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस द इलेक्टिव एलिमेंट वर मेड इन 1872, 76 एंड 78। आप देख रहे हो कॉर्पोरेशन लेवल, लोकल लेवल पे जो बात हो रही है मद्रास और कलकत्ता में, ये और अटेम्प्ट किए गए। और ये जो बाद में भी आपने देखा है, जो इलेक्टिव एलिमेंट आ रहा है ना कि आप जो इलेक्ट कर सकते हो किस कॉर्पोरेशन में कौन लोग होंगे लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो 1872, 76 और 78 में ये अटेम्प्ट लगातार किए गए। और आउटसाइड द प्रेजिडेंसी टाउन्स द बिगिनिंग ऑफ म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इज टू बी ट्रेस्ड फ्रॉम द बंगाल एक्ट ऑफ 1842। प्रेजिडेंसी टाउन्स के बाहर अगर आप बात करोगे तो बिगिनिंग ऑफ म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इज टू बी ट्रेस्ड, जो बिगिनिंग हुई म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन की, या बंगाल एक्ट से 1842 से ट्रेस करोगे, देखोगे। द एक्ट वॉज पास टू इनेबल द इनहेबिटेंट ऑफ एनी प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट और रेजिडेंस टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर द पर्पजेज कनेक्टेड विद पब्लिक हेल्थ एंड कन्वीनियंस। ये एक्ट पास किया गया था ताकि इनेबल कर सके किसी भी जगह के रहने वाले लोगों को जो पब्लिक रिजोर्ट या रेजिडेंस के लिए बेटर प्रोविजन कर सके हेल्थ और कन्वीनियंस के लिए वो। द एक्ट वॉज अ परमिसिव नेचर एंड ए म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन कुड बी सेटअप इन अ टाउन ओनली आफ्टर 2/3 ऑफ The householders had requested for that। मतलब जब दो तिहाई लोग जो हाउस होल्डर हैं, मकान मालिक हैं, अगर वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन किया जा सकता था, ऐसा एक्ट था। अंडर दिस एक्ट ए म्यूनिसिपल बोर्ड वॉज सेटअप इन वन टाउन ओनली एंड हेयर टू व्हेन द हाउस होल्डर्स वर कॉल्ड अपॉन टू पे डायरेक्ट टैक्सेस दे नॉट ओनली रिफ्यूज बट प्रोसिक्यूटेड द कलेक्टर फॉर ट्रेसपास व्हेन ही वेंट राउंड टू कलेक्ट टैक्सेस। अब आप देखो, म्यूनिसिपल बोर्ड तो बना दिया, लेकिन जब इनको, जब उनसे डायरेक्ट टैक्स मांगे गए कि आप पैसा लाओ हमको, अभी भी आज देखते हो ना, अब लोकल लेवल पे टैक्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले साफ सफाई के लिए ये सब पैसे मांगते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं, तो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि दे नॉट ओनली रिफ्यूज बट प्रोसिक्यूटेड। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने डायरेक्ट टैक्स की आदत थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोसिक्यूट कर दिया उस कलेक्टर को जो लेने आया था टैक्स को। तो ए ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड वॉज टेकन इन 1850 व्हेन एन एक्ट वॉज पास्ड एप्लीकेबल टू द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद एक नया स्टेप लिया गया 1850 में, एक एक्ट पास किया गया, उसमें क्या गया कि पूरे ब्रिटिश इंडिया, पूरा ब्रिटिश इंडिया में ये एप्लीकेबल हो गया। दिस एक्ट ऑथराइज म्यूनिसिपल बॉडीज टू लेवी इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस एक्ट ने ऑथराइज कर दिया म्यूनिसिपल बॉडीज को कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अब लगा सकते हैं, लेवी कर सकते हैं। द एक्ट हाउएवर वॉज ऑफ ए वॉलेंट्री नेचर। लेकिन ये जो एक्ट था ये कुछ वॉलेंट्री नेचर का था, एक्सेप्ट करें या ना करें कोई बाइंडिंग नेचर नहीं था। द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड बॉम्बे टुक एडवांटेज ऑफ दिस एक्ट एंड म्यूनिसिपल कमेटीज वर सेटअप इन सेवरल टाउन्स। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है, जो यूपी है,
ठीक है। और ये जो आपका बॉम्बे है, इन्होंने इसे एक्ट का एडवांटेज लिया और म्यूनिसिपल कमिटीज सेटअप कर दी सेवरल टाउन्स में। द पब्लिकेशन ऑफ द रॉयल आर्मी सैनिटरी कमीशन रिपोर्ट इन 1868 गेव फर्दर फिलिप टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन। जो पब्लिकेशन हुआ था रॉयल आर्मी सैनिटरी कमीशन रिपोर्ट का 1868 में, तो उसने और बूस्ट किया ये डेवलपमेंट को, म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन को। द रिपोर्ट दो प्राइमरली डेल्ट विद आर्मी अफेयर्स, ड्रिव अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू इन सैनिटरी कंडीशन इन टाउन्स, जबकि ये जो रिपोर्ट थी इसका मेन फोकस आर्मी अफेयर्स के लिए और ये जो अनहाइजीन था, इन सैनिटरी कंडीशंस थी टाउन्स के, उस पर ध्यान आकर्षित करना था। लेकिन इन द ईयर्स फॉलोइंग नंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज वर सेटअप इन एवरी प्रोविंस। लेकिन आप बाद में देखते हो कि जितनी भी प्रोविंसेस थी उन सब प्रोविंसेस में धीरे धीरे करके म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो सेटअप करने जाने लगी। इन द पंजाब एंड सेंट्रल प्रोविंसेस इलेक्टेड एलिमेंट्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकल बॉडीज। अब आप देखते हो कि जो पंजाब में और सेंट्रल प्रोविंसेस में इलेक्टेड एलिमेंट को भी आने लगे, मतलब आप चुन के आने लगे। इन रूरल एरियाज अ पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन वॉज टेकिंग प्लेस। और उसी तरह आप देखते हो कि रूरल एरिया में भी पैरेलल डेवलपमेंट हो रहा था लोकल इंस्टीट्यूशन का। द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन बाय द एक्ट ऑफ 1865 ऑथराइज लोकल बॉडीज टू लेवी रेट्स इन द शेप ऑफ असेस ऑफ 1 आना इन ए रुपी ऑन लैंड एंड शेयर रेवेन्यूज एज ऑल्सो ए टैक्स ऑन स्टैम्प्स। उसके बाद आप देखते हो कि सिंध एडमिनिस्ट्रेशन जो था बाई एक्ट ऑफ 1865 के एक्ट से, उसने लोकल बॉडीज़ को अलाउ कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि आप जो है ना एसेस के फॉर्म में आप टैक्स ले सकते हो। द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे फॉलोड सूट। अब जब ये चीज़ हुई तो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास और बॉम्बे के लोगों ने भी, जो गवर्नमेंट थी उसने भी यही फॉलो किया। इन 1866 द मद्रास गवर्नमेंट ऑथराइज द लेवी ऑफ रोड सेस एट रेट ऑफ 3.14% 3.25% ऑफ एनुअल रेंटल ऑफ लैंड। अब आप देखते हो 1866 में मद्रास गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया कि आप ना जो 3.25% एनुअल रेंटल ऑफ लैंड का सेस के रूप में आपको देना पड़ेगा। द बॉम्बे गवर्नमेंट बाई एक्ट 3 ऑफ 1869 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लोकल फंड कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। 1869 में जब गांधी जी पैदा हुए थे उसी टाइम बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक एक्ट 3 के अंदर एक प्रोविजन बनाया कि अब लोकल फंड कमेटी, एक फॉर क्रिएशन ऑफ लोकल फंड कमेटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल फंड कमेटी होगी अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के अंडर में। These committees levied certain cesses and looked after public health, education and other local needs of the people. ये जो committees थी ये क्या देखती थी, इन्हों certain cess लगाती थी और लुक आफ्टर करती थी public health को, education को and other local needs of people को। ये स्मॉल लेवल पे काम चल रहा था। अब मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इनॉग्रेटेड द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन एंड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इट्स नेचुरल कोरोलरी। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसका जो मैं आप पर्पस देखोगे तो वो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का था, मतलब अब क्या था, कानून बनाने की पावर जो है वो प्रोविंसेस को भी मिल रही थी, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हो रहा था। एंड मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 ऑन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज इट्स नेचुरल कोरोलरी। इसी के साथ ये मेयो रेजोल्यूशन भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आया था। एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी प्रॉम्प्टेड द इंपीरियल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच अमंग अदर इंक्लूडेड एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एंड रोड्स। अब होता क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का फायदा देखते हुए और फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी प्रॉम्प्टेड द इंपीरियल गवर्नमेंट, इंपीरियल मतलब जो सेंटर में लेवल पे, जो उस समय ब्रिटिश में सेंटर में जो गवर्नमेंट होती थी गवर्नर जनरल की काउंसिल से समझो आप, तो वो उसने क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कुछ पावर जो है ना ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्टेन डिपार्टमेंट सौंप दिए उनको। कौन कौन से डिपार्टमेंट सौंप दिए थे, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, रोड्स। हेयर वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द लोकल फाइनेंस। यहाँ पे पहली बार आप देखोगे लोकल फाइनेंस की बात
बिगिनिंग होती है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ऑथराइज टू रिजॉर्ट टू लोकल टैक्सेशन टू बैलेंस देयर बजट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो ऑथराइज थी कि लोकल लेवल पे टैक्सेशन लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है ताकि वो बैलेंस कर सके अपने बजट को। ऑफकोर्स द मीगर रिसोर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर सप्लीमेंटेड बाई एन एनुअल ग्रांट फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट। अभी लोकल लेवल पे इतने छोटे छोटे मोटे टैक्स बना के अगर वसूलते भी थे तो ये मीगर अमाउंट था, तो मीगर रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कैसे किया जाता था, एनुअल ग्रांट दिया जाता था इंपीरियल गवर्नमेंट। इंपीरियल गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर की गवर्नमेंट होती थी उस समय गवर्नर जनरल वाली, वो मतलब देती थी कुछ पैसा, ग्रांट मिल जाता था एनुअल। लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन एम्फेसाइज लोकल इंटरेस्ट सुपरविजन एंड केयर आर नेसेसरी टू सक्सेस इन द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स डिवोटेड टू एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ एंड लोकल पब्लिक वर्क्स। जो लॉर्ड मेयो के रेजोल्यूशन ने ये एम्फेसाइज किया था कि लोकल इंटरेस्ट सुपरविजन और केयर जो है बहुत नेसेसरी है अगर हमको टू सक्सेस इन मैनेजमेंट ऑफ, अगर हमको सक्सेस पानी है और उस फंड को मैनेज करने में, जो फंड मेनली एजुकेशन, सैनिटेशन, मेडिकल रिलीफ और लोकल पब्लिक वर्क के लिए सेटअप किया गया है, अगर इससे जुड़े फंड को अगर हमें ढंग से मैनेज करना है तो हमें लोकल लेवल पे इंटरेस्ट सुपरविजन और केयर को देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। द ऑपरेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन इन इट्स फुल मीनिंग एंड इंटीग्रिटी विल अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो ऑपरेशन किए गए रेजोल्यूशन में, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसने ही अपॉर्चुनिटी दी सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलपमेंट होने की। फॉर स्ट्रेंथनिंग म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर एसोसिएशन ऑफ नेटिव एंड यूरोपियंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन हेयर टू अफोर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स। अब देखोगे कि इसी से आगे चल के म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हुए हैं। द वेरियस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पास्ड म्यूनिसिपल एक्ट्स टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी आउटलाइन। बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट्स भी पास किए। अब देखोगे प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी भी बाद में मिली है, आगे चल के काफ़ी टाइम में मिली है, लेकिन उससे पहले भी प्रोविंशियल को कुछ पावर थी, गवर्नमेंट वो एक्ट पास करते थे। तो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट पास म्यूनिसिपल एक्ट्स टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी आउटलाइन। तो उन्होंने कुछ जो ये पॉलिसी थी उस पर कुछ एक्ट्स बनाए, जैसे बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस एक्ट बना 1871 में, वॉज द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड्स प्रोविजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल बंगाल। रूरल बंगाल में इसने प्रोविजन दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। सिमिलर एक्ट्स वर पास्ड इन मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस मतलब यूपी, मद्रास यूपी एंड पंजाब, यहाँ पे भी आप देखोगे सिमिलर इसी टाइप के कुछ एक्ट पास हुए हैं। उसके बाद रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 आया। रिपन्स वाइस रॉयलिटी सॉ द लिबरलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी स्फीयर। अब रिपन की जो वाइस रॉयल्टी थी उसमें आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन में हर फील्ड में लिबरलाइजेशन दिखा है। द रेजोल्यूशन ऑफ 1882 स्टैंड्स आउट एज ए लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो 1882 का जो रेजोल्यूशन आया था रिपन के टाइम पे, वो एक लैंडमार्क की तरह साबित हुआ, और ये इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। रिव्यूइंग द प्रोग्रेस इन द फील्ड सिंस मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1878, द गवर्नमेंट ऑफ रिपन नोटेड विथ सेटिस्फैक्शन दैट ए लार्ज इनकम फ्रॉम लोकल रेट्स एंड सेसेस हैड बीन सिक्योर्ड एंड इन सम प्रोविंसेस द मैनेजमेंट ऑफ दिस इनकम हैड बीन फ्रीली इंटरेस्टेड टू द लोकल बॉडीज एंड दैट म्यूनिसिपैलिटीज हैड इंक्रीज्ड इन नंबर एंड यूजफुलनेस। तो उसने देखा कि अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। हाउएवर इट वॉज फेल्ट दैट देयर वॉज अ ग्रेटर इनइक्वलिटी ऑफ प्रोग्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री देन वेरिंग लोकल सर्कमस्टांसेस seemed to warrant that many services admittedly adapted for local management were still reserved in the hands of provincial governments while the expenses for watch and ward public maintenance were a great burden on the resources of the municipalities. अब आगे आप देखोगे कि उन्होंने देखा कि कई जगह ऐसा था कि अनइक्वलिटी पाई गई, मतलब अगर बेनिफिट दिख रहा है तो सब जगह नहीं दिख रहा है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी ऑफ प्रोग्रेस दिखी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आप देखा कि जो लोकल सरकमस्टांसेस हैं, और ये आप ये और चीज़ देखिए, मैनी सर्विसेज एडमिटेडली अडेप्टेड फॉर लोकल मैनेजमेंट वर स्टिल रिजर्व। कई सारी ऐसी सर्विसेज थी जो लोकल गवर्नमेंट के लिए थी, लेकिन वो अभी भी रिजर्व थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, जबकि उनका जो खर्चा था, वाइल द एक्सपेंसेस फॉर वॉच एंड वार्ड वर ए ग्रेट बर्डन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपलिटी, जबकि उनका खर्चा था वो म्यूनिसिपलिटीज़ को उठाना पड़ रहा था, उनको देखना, मेंटेनेंस करना, सब कुछ करना, लेकिन वो रिजर्व सब्जेक्ट में आ रहे थे, मतलब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट थे। द गवर्नमेंट ऑफ रिपन डिजायर्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू अप्लाई इन केस ऑफ लोकल बॉडीज द सेम प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन विच लॉर्ड मेयोज गवर्नमेंट हैड बिगन
टूवर्ड्स देम। तो गवर्नमेंट जो रिपन की जो गवर्नमेंट थी उसने डिजायर उसने ये चाहा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्लाई इन केस ऑफ लोकल बॉडीज के केस में वो सेम प्रिंसिपल अपनाए, सेम प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विच लॉर्ड मेयोज गवर्नमेंट हैड बिगन टूवर्ड्स देम, जो कि लॉर्ड मेयो ने बात करी थी फाइनेंशियल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन की। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू अंडरटेक ए केयरफुल सर्वे ऑफ प्रोविंशियल लोकल एंड म्यूनिसिपल फाइनेंस विद ए व्यू टू असर्टेन। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनसे कहा गया कि आप अंडरटेक करें केयरफुल सर्वे करें प्रोविंशियल लोकल और म्यूनिसिपल फाइनेंसेस का, ताकि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो जान सकें। वो सर्वे के जो चारों पॉइंट्स थे वो इस तरह से, तीन पॉइंट थे उस सर्वे में। सर्वे में क्या देखना था कि व्हाट आइटम्स ऑफ रिसीट एंड चार्ज कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविंशियल टू लोकल हेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या काम सौंप दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड था कि वॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स वॉज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू ले ऑन लोकल एंड म्यूनिसिपल बॉडीज दोज विच वर बेस्ट अंडरस्टूड एंड अप्रिसिएटेड बाई द पीपल, और क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स का क्या किया जा सकता था ताकि लोकल और म्यूनिसिपल बॉडीज जो विच आर बेस्ट अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड हो और लोगों से अप्रिसिएट किया जाए, ऐसा क्या चीज़ों को हम बांट सकते हैं आपस में। थर्ड था कि टू कंसीडर वेज ऑफ इक्वलाइजिंग लोकल एंड म्यूनिसिपल टैक्सेशन थ्रू आउट द एम्पायर, ये टू कंसीडर क्या ऐसा कोई तरीका ढूंढ लिया जाए कि जिससे लोकल और म्यूनिसिपल टैक्सेशन जो है वो इक्वलाइज किया जा सके पूरे एम्पायर में। तो ये आपने देखा कि ये सर्वे की बात हुई, और ऑन रिसीट ऑफ डिटेल्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट द इंपीरियल गवर्नमेंट अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ 1882। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक डिटेल रिपोर्ट रिसीव हुई, तो इंपीरियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपीरियल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब सेंटर से है आप, ठीक है, गवर्नर जनरल से। तो इंपीरियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ 1882 का जो रिजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया, विच मार्क्स द इफेक्टिव बिगनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जब हम बिगनिंग की बात करते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, कब से होती है स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे जो मेन लैंडमार्क जो डेट इफेक्टिव आपको दिखेगी तो वो 1882 का रेजोल्यूशन से ही दिखता है, विच मार्क्स द इफेक्टिव बिगनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उससे पहले थी ये स्टार्ट बात ही हुई लेकिन इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव बिगनिंग कब हुई, 1882 में। द डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडीज वॉज एडवोकेटेड नॉट ओनली विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन बट एज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ पॉलिटिकल एंड पॉपुलर एजुकेशन। जो ये डेवलपमेंट की बात हो रही थी ना लोकल बॉडीज़ की, वो इस सिर्फ एक ही वजह नहीं थी उसकी एडवोकेसी की, उसकी वजह एक एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही लेकिन साथ में ये पॉलिटिकल और पॉपुलर एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट था। लोकल बोर्ड्स वर टू बी डेवलप्ड थ्रू आउट द कंट्री एंड चार्ज विद डेफिनेट ड्यूटीज एंड इंटरेस्टेड विद सुटेबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। उनको क्या किया जाता था कि कुछ ड्यूटीज़ डिफाइन कर दी जाती थी और इंटरेस्टेड विद सुटेबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और इनको कुछ सुटेबल सोर्सेज रेवेन्यू के दे दिए जाते थे। फॉर रूरल एरियाज तालुका बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वर टू बी सेटअप। कुछ जो रूरल एरियाज के लिए तालुका बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेटअप किए गए। दीज लोकल बॉडीज वर टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इज कपल्ड विद ए जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन वेयर लोकल सर्कमस्टांसेस परमिटेड। ये जो लोकल बॉडीज़ होती थी वट टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए थी, कपल विद ए जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और एक जनरल सिस्टम ऑफ इलेक्शन था वेयर लोकल सर्कमस्टांसेस, जहाँ लोकल सर्कमस्टांसेस से परमिट करते थे वहाँ वहाँ इलेक्शन करा लेते थे, और एक नॉन ऑफिशियल टाइप की मेजोरिटी की बात होती थी। ऑफिशियल इंटरफेरेंस वॉज टू बी रिड्यूस टू द मिनिमम एंड एक्सरसाइज टू रिवाइज एंड चेक द एक्ट्स ऑफ लोकल बॉडीज बट नॉट टू डिक्टेट पॉलिसीज। जो ऑफिशियल आप देखोगे इंटरफेरेंस जो था, ये ऑफिशियल इंटरफेरेंस को कम से कम रखा गया। मतलब ऑफिशियल इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो लोकल, उन्होंने पावर दे दी, उन्होंने जो ये आप देखोगे कि उन्होंने खुद से इतना इंटरफेरेंस इतना नहीं रखा, बस हाँ वो क्या करते थे कि रिवाइज करने के लिए या कोई एक्ट है, एक्ट जो काम किए लोकल बॉडीज़ ने उनको देखने के लिए करते थे और कोई पॉलिसी डिक्टेट नहीं करते थे। ऑफकोर्स द ऑफिशियल एग्जीक्यूशन सैंक्शन वॉज नेसेसरी इन सर्टेन केसेस। हाँ ये तो होगा कि ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सैंक्शन तो चाहिए होगा कुछ केसेस में, जैसे रेजिंग ऑफ लोन्स, लोन रेज करना है, एलिनिएशन ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, कोई म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हो या कुछ हटाना चाह रहे हो,
डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हो, इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, कोई नया टैक्स लाना चाह रहे हो, अंडरटेकिंग वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन ए प्रिस्क्राइब सम, कोई काम करना चाह रहे हैं और वो एक प्रिस्क्राइब जो सम है उससे ज़्यादा बैठ रहा है, फ्रेमिंग रूल्स एंड बाईलॉज, लॉज फ्रेमिंग रूल्स और बाईलॉज बनाना, एंड परसुएंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन मैनी एक्ट्स वर पास बिटवीन 1883 एंड 85. इस इन परसुएंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन के परसुएंस में कई सारे एक्ट जो थे वो पास हुए 1883 से लेकर 85 के बीच में, विच ग्रेटली अल्टर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने मतलब काफ़ी हद तक आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया है, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज इन इंडिया, जिससे क्या था जो म्यूनिसिपल बॉडीज थी उसमें काफ़ी हद तक आपको पावर्स और फंक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं. Unfortunately, however, the bureaucracy did not share the liberal views of the Viceroy and thought that the Indians were unfit for self-government. फिर भी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो डिड नॉट शेयर द लिबरल व्यूज ऑफ वाइसराय, वो वाइसराय के लिबरल व्यूज के साथ शेयर नहीं करती थी लिबरल व्यूज को, और वो सोचती थी, वो अनफिट समझती थी कि इंडियंस अनफिट हैं सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. द क्लोजिंग डिकेट्स ऑफ 19th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ इंपीरियलिज्म. अब 19th सेंचुरी का जो क्लोजिंग डिकेट था, 19th सेंचुरी मतलब 1890 से लेके 1900 के बीच का जो क्लोजिंग डिकेट था वो इंपीरियलिज्म का एक पीरियड था. द हाई प्रीस्ट ऑफ दैट क्रीड लॉर्ड कर्जन एक्चुअली टुक स्टेप्स टू इंक्रीज ऑफिशियल कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज. तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, उसने ऑफिशियल कंट्रोल लोकल बॉडीज में बढ़ाया. उसके बाद आप देखते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन रिपोर्ट आती है 1908 में. द इंटायर सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज रिव्यूड बाई द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, एन इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन मेड टचिंग ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. एक इंटायर सब्जेक्ट ऑफ लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था वो पूरा रिव्यू किया गया रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा, और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में बन दिए गए और जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट हर स्फीयर को टच करते थे. द रिपोर्ट ऑफ कमीशन इज स्टिल ए गाइडिंग स्टार फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट. जो ये रिपोर्ट जो थी कमीशन की वो एक गाइडिंग स्टार की तरह काम कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट के लिए. द कमीशन पॉइंटेड आउट दैट द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज द ग्रेट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज. कमीशन ने साफ साफ बोला कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं वो कम है, इस वजह से लोकल बॉडीज फंक्शन नहीं कर पा रही हैं ढंग से, ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है. सर हर्बर्ट रिजले द होम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट ऑन रिकॉर्ड. जो हर्बर्ट रिजले थे होम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने पुट ऑन रिकॉर्ड में ये पुट किया कि आई थिंक इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द रिसोर्सेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज आर नॉट सफिशियंट टू इनेबल देम टू वर्क अप टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने ये बात भी बोली है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज थे उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो उनको इनेबल कर पाएं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड के बेसिस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर पाएं. इन म्यूनिसिपैलिटीज दैट इज मोस्ट conspicuously the case in respect of the schemes of water supply and drainage, the advantage of which especially of the farmers are now pretty generally realized. जो म्यूनिसिपैलिटी के केस में दैट इज़ मोस्ट कॉन्स्पिक्यूसली द केस, ये साफ साफ दिख रहा था म्यूनिसिपैलिटी के केस में इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम ऑफ वाटर सप्लाई या ड्रेनेज की स्कीम में, जिनका एडवांटेज जो था फार्मर्स को मिलता, ज़्यादातर मिलता है इन्हीं लोगों का मिलता है वाटर सप्लाई ड्रेनेज का, लेकिन ये जो कमियाँ दिखती थी ये फंड नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिली इस तरह से कि फंड ना होने की वजह से म्यूनिसिपैलिटीज उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए. सिमिलरली इन सम रूरल एरियाज इन बंगाल द ओल्ड सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई है fallen into disrepair and district boards are approached with demands far beyond their financial resource. अब हुआ क्या कि रूरल एरियाज़ में बंगाल में कुछ ओल्ड सोर्सेज थे वाटर सप्लाई के, वो मतलब ख़राब हो गए, एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आर अप्रोच्ड विद डिमांड फॉर फार बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल रिसोर्स. और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास लोग जाने लगे कि इसको मतलब रिपेयर कराओ, लेकिन कैसे रिपेयर कराएं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा था. इन अदर पार्ट्स ऑफ द सम प्रोविंस द सेल्टिंग अप ऑफ ओल्ड चैनल एंड चेंजेस ऑफ लेवल्स आर बिलीव टू कॉज मलेरियल फीवर एंड द लार्ज स्कीम्स ऑफ ड्रेनेज आर एडवोकेटेड विच द लोकल बॉडीज आर अनेबल टू कैरी आउट. तो आप देख रहे हो कई और प्रोविंसेस में कई सारे काम सजेस्ट किए गए लेकिन लोकल बॉडीज उनको कर नहीं पा रही थी, वो देवर लैकिंग इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस.
The commission laid emphasis on the development of village panchayats and sub-district boards. Commission ने एक emphasis किया कि जो village panchayat बनाना चाहिए और sub-district board बनना चाहिए. It recommended that the village panchayat should be entrusted with more power. उन्होंने बोला कि जो village panchayat हो उसको power थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि summary jurisdiction in petty civil and criminal cases. छोटे मोटे जो cases होते हैं चाहे वो civil हो criminal हो वो panchayat अपने अंडर में resolve कर ले. Incurring of एक्सपेंडिचर ऑन विलेज स्केवेंजिंग एंड माइनर विलेज वर्क. अगर कोई सफाई वफाई करानी है, स्केवेंजिंग करनी है या छोटे मोटे काम है तो वो करा सके. कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ विलेज स्कूल्स, जो गांव के जो स्कूल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन हो, मेंटेनेंस हो, मैनेजमेंट हो, ये सब देख सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल फ्यूल एंड वाटर रिजर्व्स एटसेट्रा, जो स्मॉल फ्यूल एंड वाटर रिजर्व्स हो उनका मैनेजमेंट कर सकें. अबव ऑल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ विलेज पंचायत दीज शुड बी गिवन एडिकेट सोर्स ऑफ इनकम एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुड बी सर्कमस्क्राइब्ड. इसके बाद अबव ऑल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ विलेज पंचायत, ये बात बोली गई कि अगर विलेज पंचायत की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए तो दीज शुड बी गिवन एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ इनकम, इनको एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ इनकम देनी चाहिए. एंड द इंटरफेरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शुड बी सर्कमस्क्राइब्ड, जो इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का वो सर्कमस्क्राइब करना चाहिए, कम करना चाहिए, घटाना चाहिए उसको. ठीक है, अब आप देखोगे द कमीशन ग्रेटली एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन एवरी तालुका ऑफ तहसील एंड शुड बी प्रिंसिपल एजेंसीज इन रूरल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने बोला कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए और रिकमेंड किया कि हर तालुका, एवरी तालुका ऑफ तहसील के हर तालुका में ये होना चाहिए और शुड बी द प्रिंसिपल एजेंसीज इन रूरल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन. रूरल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रिंसिपल एजेंसीज होनी चाहिए. दे डिड नॉट डिजायर टू प्लेस सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंटायरली अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट. उन्होंने बोला कि जो सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंडर में नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऑटोनॉमी होनी चाहिए उसमें. द स्कीम सजेस्टेड इन्वेसेज्ड सेपरेट स्फीयर्स ऑफ ड्यूटीज. दो स्कीम थी वो सजेस्टेड एनविसेज सेपरेट स्फीयर्स ऑफ ड्यूटीज एंड सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज फॉर सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. उन्होंने बोला कि एक पिक्चर बनाई, स्कीम सजेस्टेड एनविसेज सेपरेट स्फीयर ऑफ ड्यूटीज, अलग अलग ड्यूटीज, अलग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज होने चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए. Regarding municipalities, the commission urged the withdrawal of existing restriction on their power of taxation and also stoppage of regular grants in aid from provincial governments except for undertaking large projects such as those concerning drainage और वाटर सप्लाई. रिगार्डिंग म्यूनिसिपलिटीज कमीशन ने कहा कि आज द विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन हटाने चाहिए ऑन द पावर ऑफ टैक्सेशन, जो टैक्सेशन में जो म्यूनिसिपलिटी के जो पावर लगा है वो लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे गए थे. और ऑल्सो स्टॉपेज ऑफ रेगुलर, उन्होंने बोला कि जो स्टॉप कर रखे हैं जो रेगुलर ग्रांटी नेट हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए वो भी मतलब वापस से चालू हो एक्सेप्ट फॉर अंडरटेकिंग लार्ज प्रोजेक्ट. बस लार्ज प्रोजेक्ट है उसमें आप देखो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है, मायने लेवल के, कि बड़े प्रोजेक्ट आप नहीं कर रहे हैं तो वो करने से पहले पूछें परमिशन लें या कुछ भी. एक्सेप्ट फॉर अंडरटेकिंग लार्ज प्रोजेक्ट सच एज दोज कंसर्निंग ड्रेनेज और वाटर सप्लाई. इफ सजेस्टेड दैट म्यूनिसिपलिटीज माइट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन. इट सजेस्टेड, इसने सजेस्ट किया कि जो म्यूनिसिपलिटीज हैं वो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं एंड फिलिंग फॉर मिडिल वर्नाकुलर स्कूल्स, मिडिल लेवल के जो वर्नाकुलर होते हैं ना लोकल लैंग्वेज के स्कूल्स वो भी संभाल सकते हैं. अदरवाइज द गवर्नमेंट शुड रिलीव देम ऑफ एनी चार्जेस इन रिगार्ड टू सेकेंडरी एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, फेमाइन रिलीफ, पुलिस, वर्नरी वर्क. और इसके अलावा अदरवाइज जो गवर्नमेंट शुड रिलीव देम ऑफ, या तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड रिलीव देम ऑफ एनी चार्जेस, उनको किसी भी चार्जेस से रिलीव कर देना चाहिए, जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उनको रिलीव कर देना चाहिए कई सारे, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन की बातें हों, हॉस्पिटल्स हों, फेमाइन रिलीफ हो, पुलिस हो, ये सारी चीज़ों से उनको म्यूनिसिपलिटीज़ के अंडर में क्यों दे रखा है, क्योंकि काम ज़्यादा है, फाइनेंस है नहीं. तो ये सारी चीज़ें रिकमेंड करी गई कि आप अदरवाइज द गवर्नमेंट, अगर आप ये कर रहे हो, इट सजेस्टेड दैट म्यूनिसिपलिटीज़ माइट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड इफ विलिंग फॉर मिडिल वर्नाकुलर स्कूल्स, अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज द गवर्नमेंट शुड रिलीव देम ऑफ, या तो
तो ऐसा कर देना चाहिए, मतलब क्या काम दो, क्या किसे रिलीव कर दो देम ऑफ एनी चार्जेस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1915 कंटेन्ड द ऑफिशियल व्यूज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेजोल्यूशन आया था 1915 में, उसने वो क्या कंटेन करता था, जो ऑफिशियल व्यूज थे रिकमेंडेशन के डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन के, वो कंटेन करता था. द रेजोल्यूशन रिफर टू द स्मॉलनेस एंड इन इलास्टिसिटी ऑफ लोकल रेवेन्यूज. इसने रिफर किया कितना स्मॉल है और इन इलास्टिक है, एंड द डिफिकल्टीज ऑफ रिवाइजिंग फर्दर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन. और ये भी दिखाया कि जो टैक्सेशन में और रिफॉर्म कितना डिफिकल्ट है. दस मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन रिमेंड ऑन पेपर एंड कंडीशन ऑफ द लोकल बॉडीज कंटिन्यूड टू बी वेयर इट वॉज लेफ्ट बाई लॉर्ड रिपन. अब बातें तो रहीं लेकिन पेपर में ही रहा, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई. जैसा लॉर्ड रिपन के टाइम था वैसे ही बना रहा. द रेजोल्यूशन ऑफ मे 1918, द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑफ 20 अगस्त 1917 डिक्लेयर्ड दैट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस वाज टुवर्ड्स ग्रांट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द पीपल ऑन इंडिया एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ दैट आइडियल वॉज टू बी इन द स्फीयर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उन्होंने बोला, हिस्टोरिक अनाउंसमेंट हुआ था 20 अगस्त 1917 में, उसने बोला कि जो फ्यूचर डायरेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस का, वो ऐसा होगा कि अब हम क्या करेंगे, ग्रांट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे इंडिया को, ठीक है. और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रोग्रेसिव, जो ये था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ दैट आइडियल वाज टू बी इन स्फीयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट. तो सबसे पहले लोकल लेवल में उन्होंने इस चीज से शुरुआत करी. द मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट सजेस्टेड देयर शुड बी एज फार एज पॉसिबल कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल इन लोकल बॉडीज एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंडिपेंडेंस फॉर देम ऑफ आउटसाइड कंट्रोल. मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट ने भी सजेस्ट किया था कि सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है लोकल बॉडीज को, मतलब ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कंप्लीट पावर, जो वो इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा पॉसिबल, अगर इंडिपेंडेंस किसी को मिल रहा है तो वो इन लोकल बॉडीज को ही मिलना चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 16 मई 1918 रिव्यूड द एंटायर क्वेश्चन ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ 20 अगस्त 1917. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेजोल्यूशन था, जो 16 मई 1918 का था, उसने रिव्यूड द एंटायर क्वेश्चन ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट, उसने पूरा जो एंटायर क्वेश्चन था लोकल सेल गवर्नमेंट का उसको रिव्यू किया इन द लाइट ऑफ, और ध्यान में रखते हुए देखा उसको कि जो अनाउंसमेंट हुआ था 20 अगस्त 1917 को, उसको ध्यान में रखा और उस पूरे क्वेश्चन के बक को रिव्यू किया. इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द न्यू पॉलिसी आउटलाइन द रेजोल्यूशन सजेस्टेड दैट लोकल बॉडी शुड बी मेड एज रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल ऑफ द पीपल, देयर अथॉरिटी ओवर द मैटर्स इंटरेस्टेड टू देम शुड बी रियल एंड नॉट नॉमिनल. That all necessary, unnecessary official controls should be checked and local bodies allowed to learn by their mistakes. The resolution in general endorsed the recommendation of the decentralization commission in entrusting the municipal board with greater powers to vary the rate of taxation, in giving them a more free hand in regard to their budget, in greater control of services paid for by local bodies. आप देखोगे कि जो रेजोल्यूशन था इन जनरल एंडोर्स, इसने कुछ रिकमेंडेशन जो थी डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन की, उनको एंडोर्स किया इन इंट्रस्टिंग द म्यूनिसिपल बोर्ड्स विद ग्रेटर पावर. उन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड्स को ग्रेटर पावर दिया टू वेरी द रेट ऑफ टैक्सेशन, का रेट बदल सकते हैं. इन गिविंग देम ए मोर फ्री हैंड, बजट के लिए भी फ्री हैंड दिया, ग्रेटर कंट्रोल दिया, सर्विसेज पेड फॉर बाई लोकल बॉडीज, कई सारी चीज़ें हमने देखी रिलैक्स करी गई. और इस रेजोल्यूशन में ये भी सजेस्ट किया गया था कि मेडर्स रिप्रेजेंटेटिव की जो लोकल बॉडीज होंगी उनको जितना रिप्रेजेंटेटिव बना सको उतना बनाओ, और देयर अथॉरिटी ओवर द मैटर इंटरेस्टेड देम शुड बी, उनकी जो अथॉरिटी होगी ना जो काम के ऊपर, वो रियल होनी चाहिए, सिर्फ नाम मात्र के दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अगर वो उसको चाहते हैं करना तो कर सकें. और अननेसेसरी ऑफिशियल कंट्रोल शुड बी चेक्ड एंड लोकल बॉडीज अलाउड टू लर्न बाय देयर मिस्टेक्स. जो अननेसेसरी ऑफिशियल कंट्रोल जो चल रहा है ना, उसको रोकना चाहिए, और लोकल बॉडीज को उनकी अपनी मिस्टेक्स से वो खुद लर्न करेंगी. Regarding village panchayat, the resolution stated that local bodies should be looked upon as mere mechanical adjuncts of the local self-government, but as association designed to develop village corporate life on basis of intimacy existing between the inhabitants
who had not only common civic interest but were kept together by ties of tradition and of blood. The provincial government was asked to make an effective beginning towards development of village panchayat. Village panchayat के लिए भी जो resolution था उसने बोला कि local bodies को ऐसे देखना चाहिए कि as a mere mechanical adjunct of local cell government. इनको सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये सिर्फ मैकेनिकल एडजंक्ट है, बट एज एसोसिएशन डिजाइन टू डेवलप. इनको समझना चाहिए कि एसोसिएशन है ऐसे लोगों का जो कि एक दूसरे को जानते हैं, और वो मतलब जब आप विलेज पंचायत में आप क्या देखते हो, जैसे गांव के लोगों को आप ऑटोनोमी दोगे तो जो गांव के लोग रहेंगे वो आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो समझते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ये बातें करी गई कि आप जो विलेज पंचायत है उसको एक सिर्फ एक मशीनरी की तरह आप मत समझो कि मैकेनिकल एडजंक्ट है लोकल सेल गवर्नमेंट का, उसको आप समझो कि एक एसोसिएशन है जो कि विलेज कॉरपोरेट लाइफ को लाएगा, डेवलप करेगा. अब अंडर डायरकी में आप देखोगे कि 1919 में आप देखोगे विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोकल सेल गवर्नमेंट बिकेम ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अंडर पॉपुलर मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. अब देखोगे जो लोकल सेल गवर्नमेंट है ना ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आ गया था, और आप देखते हो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे ये आपका गवर्नर जो था उसको मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ऐसा मतलब काम करता था गवर्नर, सब्जेक्ट अंडर पॉपुलर मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. तो आप देखोगे एक तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो पहली बार दिखेगी तो यही दिखेगी. डायरकी जो डायरकी आई ना ये डायरकी से ही पहली बार आपको ये दिखेगा कि किस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिखी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो लॉन्गर इशूड एनी इंस्ट्रक्शन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड ईच प्रोविंस वॉज अलाउड टू डेवलप लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. अब क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी मतलब सेंटर जो था उस समय वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता था कोई भी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एंड ईच प्रोविंस वाज अलाउड टू डेवलप लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन. हर जो प्रोविंस थी वो उसको अलाउड थी कि वो लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन को अपने नीड्स के हिसाब से वो डेवलप कर सके. अंडर द शेड्यूल टैक्स रूल्स एंड टैक्सेस विच कुड बी इम्पोज बाई लोकल बॉडीज वर सेपरेटेड फ्रॉम दोज विच फेल विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो ये टैक्स थे ना जो लोकल बॉडीज इम्पोज करती थी उनको ये सब हटा दिए गए प्रोविंशियल लेवल से, अब वो लोकल बॉडीज के टैक्स हो गए. द इंडियन मिनिस्टर्स हाउएवर कुड नॉट डू मच वर्क इन द स्फीयर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर लैक ऑफ फंड्स. अब इंडियन मिनिस्टर जो थे जो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लैक ऑफ फंड था. सच फाइनेंसिस वॉज ए रिजर्व सब्जेक्ट, क्योंकि जो फाइनेंस था वो रिजर्व सब्जेक्ट में था. रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखती थी. और द साइमन कमीशन रिपोर्टिंग इन मे 1930 रिफर टू द वाइड फाइनेंशियल पावर एक्सरसाइज बाई लोकल बॉडीज. साइमन कमीशन ने रिपोर्टिंग इन मे 1930 रिफर किया था टू द वाइड फाइनेंशियल पावर्स एक्सरसाइज बाई लोकल बॉडीज. इट हाउएवर ऑब्जर्व दैट विलेज पंचायत हैड नॉट शोन एनी मार्क प्रोग्रेस एक्सेप्ट इन यूपी बंगाल एंड मद्रास. उन्होंने देखा कि विलेज पंचायत जो है कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, सिर्फ यूपी बंगाल और मद्रास में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखी. द कमीशन सजेस्टेड दैट द रेट्रोग्रेड स्टेप ऑफ इंक्रीजिंग द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर लोकल बॉडीज इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कोटेड द एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड वेयर बाय न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस बाय इंस्पेक्शन बाय ऑडिट बाय गिविंग ऑफ ग्रांट्स इन एड ऑन कंडीशन इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड बाय इंसिस्टिंग ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड म्युनिसिपल स्टाफ द लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एंड सक्सेसर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैव स्टेडली रेज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन लोकल अथॉरिटीज. उन्होंने बोला, कमीशन ने सजेस्ट किया था कि जो सजेस्टेड द रेट्रोग्रेड स्टेप ऑफ इंक्रीजिंग द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर लोकल बॉडीज इन इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी. उन्होंने बोला कि एक रेट्रोग्रेड स्टेप ऐसा होना चाहिए कि आपने ठीक है आपने ऑटोनॉमी दे रहे हो अब लोकल बॉडीज को, लेकिन एक कंट्रोल उनके ऊपर कहीं ना कहीं रखो. ठीक है, वो कैसा कंट्रोल, उसने एक एग्जांपल भी कोट किया जैसे इंग्लैंड में क्या होता है कि बाय न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस बाय इंस्पेक्शन, जैसे कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस होती हैं जिससे आप कंट्रोल बना सकते हो, जैसे इंस्पेक्शन कर लो, ऑडिट कर लो, जो आपने ग्रांट दिया है वो क्या है, आपने कुछ काम करने के लिए दिया होगा ना पैसा, तो आप जाके इंश्योर करो कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है. जैसे आज की डेट में आप जो पंचायत हैं उनको अगर कोई काम के लिए पैसा मिलता है
तो वो पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, कोई ऑडिट ऑडिट टाइप का कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया था, रिपोर्टिंग ऑन द पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ लोकल बॉडीज, द कमीशन एडवर्सली कमेंटेड ऑन रिलक्टेंस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स टू इम्पोज लोकल टैक्स एंड स्टेटेड दैट जनरली स्पीकिंग द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसिस ऑफ लोकल बॉडीज हैड डेटियोरेटेड सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1919 एंड दिस लैक्सिटी कुड नॉट बी एडिकेटली करेक्टेड बाई इन एडिकेट पावर्स ऑफ ऑडिट परसेस्ड बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि ये जो कमी है फाइनेंशियल की, वो कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रिलेक्टेंट हैं वो लोकल टैक्सेस लगाने में, एंड स्टेटेड दैट जनरली स्पीकिंग द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस और लोकल बॉडीज हैड डेटियोरेटेड। उन्होंने बोला कि जो मैनेज कर रहे हैं ना लोकल बॉडीज जो फाइनेंसेस को, वो थोड़ा सा गिरावट आई है उसमें, क्योंकि ये जो सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1919, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स हुए हैं 1919 में तब से, एंड दिस लैक्सिटी कुड नॉट बी एडिकेटली करेक्टेड, और ये जो लापरवाही है ये तब तक नहीं ठीक करी जा सकती जब तक कोई ऑडिट करने का मेथड ना आ जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड आफ्टर। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच गेव फर्दर इम्पीटस टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। जो बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उसमें यह थी कि उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो इसने और थोड़ा बूस्ट किया डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन को। पॉपुलर मिनिस्ट्रीज कंट्रोल्ड फाइनेंस एंड कुड मेक अवेलेबल एडिकेट फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोकल बॉडी। जो पॉपुलर मिनिस्ट्रीज थी वो फाइनेंस कंट्रोल कर रही थी और वो कुड मेक अवेलेबल करा सकती थी फंड को लोकल बॉडीज के लिए। द डिमार्केशन ऑफ टैक्सेशन बिटवीन प्रोविंशियल एंड लोकल फाइनेंसेस विच प्रिवेल्ड सिंस द रिफॉर्म्स ऑफ 1919 वाज डन अवे विद। पहले क्या था कि जो डिमार्केशन था टैक्सेशन का, कि कौन टैक्स कहाँ पे लगाएगा किस चीज़ पे प्रोविंशियल लोकल लेवल पे, वो हटा दिया गया था। ये पहले क्या था, 1919 में इस तरह का डिमार्केशन किया गया था, लेकिन बाद में ये जो टैक्सेशन वाला सिस्टम था डिमार्केशन था ये हटा दिया गया। प्रैक्टिकली इन एवरी प्रोविंस न्यू एक्ट्स वर पास्ड गिविंग मोर फंक्शन टू लोकल बॉडीज। हर एक्ट में हर प्रोविंस में आप देखोगे कि नया एक्ट पास किया गया और जिसने लोकल बॉडीज को और फंक्शन दे दिए। हाउएवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर पावर्स ऑफ टैक्सेशन रिमेन मोर और लेस द सेम एज इन द डेज ऑफ रिपन। लेकिन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करोगे आप लोकल इंस्टीट्यूशन की या पावर की उनके, तो वो लगभग मोर और लेस सेम ही थी। और रादर आफ्टर 1935 सर्टेन न्यू रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ लोकल बॉडीज। और उसके रादर आप देखोगे कि 1935 में उल्टा और इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन उसमें और लगा दिए गए उनकी पावर्स में, टू लेवी और इन्हेंस टर्मिनल टैक्सेस ऑन ट्रेड्स कॉलिंग एंड प्रोफेशन एंड म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज। जैसे म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज हो, कॉलिंग एंड प्रोफेशंस, इन कई सारी चीज़ों पर जो टैक्सेस थे और ये बढ़ाने की जो लिमिट थी, ये पावर मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सीम्ड टू हैव इग्नोर द लिबरल पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग वाइड पावर्स ऑफ टैक्सेशन टू लोकल इंस्टीट्यूशन एज रिकमेंडेड बाई द डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी स्टेट लेवल की, वो उसने क्या किया, लिबरल पॉलिसी को इग्नोर किया। वो लिबरल पॉलिसी जो थी रिकमेंड की गई थी डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन में, ये इसका ये कहना था कि आप वाइट पावर ग्रांट करो टैक्सेशन किसे रिलेटेड लोकल इंस्टीट्यूशन को। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ओवर लोकल बॉडीज इन मैटर ऑफ न्यू प्रपोजल फॉर टैक्सेशन फॉर रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस वर सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जब आप इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हो, तो आप देखोगे कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर लोकल बॉडीज, आप जब देखोगे कि कोई नया जो प्रपोजल था, जैसे मान लीजिए कोई नया टैक्स अगर लोकल बॉडीज इंट्रोड्यूस करना चाह रही हैं या रिडक्शन करना चाह रही हैं किसी टैक्स में या अबॉलिश करना चाह रही हैं किसी एग्जिस्टिंग टैक्स में, तो वो उससे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड रेज्ड न्यू होप्स। जैसे ही अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस हमको मिला 1947 में, एंड द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड रेज न्यू होप्स। जो अब क्या हुआ, फिर एम्फेसिस डाला गया कि जो डेमोक्रेसी होगी वो बॉटम अपवर्ड ऊपर होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और इससे लोगों को और होप मिले। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40 ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन जॉइंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स द डिजायरेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत
एंड एंडोइंग देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप देखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 में ऐसा बोला भी गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसको करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनको कुछ ऐसी पावर देनी चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए जिससे कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट की तरह काम कर सके। द लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट सबमिटेड in 1951 drew attention to the desperate financial plight of the local bodies and made detailed suggestion for assigning certain new sources of revenue to them and giving them independent power of taxation। ये local finance inquiry committee report आई थी, submit हुई थी 1951 में। उसने attention gather किया, कैसे किया? drew attention to the desperate फाइनेंशियल प्लाइट, जो फाइनेंशियल प्लाइट चल रही थी उस समय, जो फाइनेंस की क्राइसिस चल रही थी लोकल बॉडीज के पास, वो उसको अटेंशन में लाया एंड मेड डिटेल सजेशन, और डिटेल सजेशन दिया फॉर असाइनिंग सर्टेन न्यू सोर्स, ताकि और नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू दिए जाए उनको, लोकल बॉडीज को, और उनको इंडिपेंडेंट पावर दी जाए टैक्सेशन की। द रिपोर्ट गोज ऑन टू से दैट लोकल बॉडीज कैन अटेन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली बाई एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स एंड हैविंग टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एरर्स। रिपोर्ट ने बोला था कि लोकल बॉडीज जो हैं वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको तभी मिलेंगी ओनली बाय एक्सरसाइज ऑफ सच पावर, जब वो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स को, एंड हैविंग टू बियर द गवर, उनको नुकसान होगा और कॉन्सिक्वेंसेज अपनी गलतियों का जब वो खुद झेलेंगे तो उनको समझ में आएगी अपने, तब वही उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ पाएंगे। द कमेटी डिप्लोर्ड द पॉलिसी ऑफ हैबिचुअली प्रोटेक्टिंग लोकल बॉडीज अगेंस्ट देमसेल्व्स एंड एक्सप्रेस द होप दैट विद द ग्रांट ऑफ लार्जर पावर्स विल कम एन increased realization of responsibilities and growth of informed public opinion will constitute a check which will prove more effective than official intervention। कमेटी ने बोला कि जो ये deplored the policy of habitually protecting local bodies against themselves एंड एक्सप्रेस द होप, उन्होंने लोकल कमेटी ने ये बोला कि जो विद द ग्रांट अब जब हम लार्जर पावर दे देंगे ना, विल बिकम कम एंड इंक्रीज, तो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रियलाइज होगी और ग्रोथ ऑफ इन्फॉर्म पब्लिक ओपिनियन विल कॉन्स्टिट्यूट, और जो लोग होंगे अवेयर होंगे तो वो खुद एक चेक की तरह काम करेंगे और वो मोर इफेक्टिव होंगे, जाकि जो कि ऑफिशियल इंटरवेंशन जो हम करते हैं जो मतलब जो ये होता है ऑडिट ऑडिट की बातें होती हैं, इससे ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि अगर लोग इन्फॉर्म्ड रहें, ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन रहें तो, और उनके पास पावर रहें तो वो समझ पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। तो किस तरह से आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस तक हम पहुँचे और हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से ब्रिटिश टाइम से ये इतना इंपॉर्टेंट रहा, आज भी देखो कि आज भी आप कई जगह कोट करना पड़ता है आपको कि जो अगर हम कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आज COVID-19 के केस में आप देखते हो कि केरला मॉडल कितना सक्सेसफुल हो रहा है, तो आप देखते हो कि उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितना मतलब प्रमोट किया है, उस प्रमोट करने की वजह से वो ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से कर पा रहे हैं कि, और जो नीडी लोग हैं उनको जो बेनिफिट्स हैं वो आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप वर्क करना है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो जहाँ पे आप देखते हो कि डेवलपमेंट लाना है सबको, अगर वेलफेयर स्टेट की आप बात करते हो, ग्राउंड लेवल पे चेंजेस लाना चाहते हो, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।